जय श्री राम मित्रों, आपका प्रश्न कि कौन से ऐसे पेड़ हैं यदि उन्हें घर में लगाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप आकर्षित होकर हमारे घर में आना आरंभ कर देती हैं। ऐसे कौन से वो पौधे या पेड़ हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में कई तरह के दुर्भाग्य आकर्षित होकर हमें परेशान करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, तो वे ऐसे कौन से पौधे हैं? आज आपके कमेंट बॉक्स में आए प्रश्नों में से इस प्रश्न का जवाब लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप जागरूक रहें और अपने जीवन में सिर्फ आनंद मंगल की कामना करते हुए नकारात्मक ऊर्जाओं के इन वृक्षों को या इन पौधों को ना ही उगने दें। यदि गलती से उग जाएं तो कैसे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, या गलती से उन्हें काट दिया गया है तो उसका क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे आप उस दुर्भाग्य को प्राप्त ना हो और आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी या तकलीफ ना आए। ऐसे वो कौन से पौधे हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि घर के आंगन में या घर के बाहर या चौखट पे या छत में कहीं पर भी यदि इमली का पेड़ उग गया है तो यह आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिससे कैसे निपटा जाएगा उसका भी हम निवारण आपको बताएंगे। या कोई पीपल का पेड़ है जो आपकी चौखट के पास आंगन में या आपके बैकयार्ड में या छत पर या किसी दीवार में अपने आप उग गया है, तो उसके उगने से आपके दुर्भाग्य की जो घड़ियां हैं वो आरंभ हो जाती हैं। उनसे कैसे निपटा जाए या इन पेड़ पौधों को कैसे अपने घर से बाहर निकाला जाए, तो हम आपको बता दें, पीपल का पेड़ वैसे बहुत ही ज़्यादा पुण्यशाली होता है यदि किसी पार्क में है या कहीं पर है, पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, हमेशा ऑक्सीजन उससे हमें मिलती है, तो कहा जाता है पीपल के पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए। यदि आपकी दीवार में, आंगन में या आपके घर के पीछे वाले हिस्से में कहीं पर आपके घर की बाउंड्री में उग गया है तो उसे आपको उसी स्थान से छोटे ही रूप में निकाल कर किसी पार्क वगैरह में या किसी सार्वजनिक स्थान पर या सड़क के किनारे या सड़क के बीच वाले हिस्से में जहाँ डिवाइडर होते हैं उनमें आप उगा सकते हैं। उसे बड़े होने तक थोड़ा सा चल सके वो नीचे ज़मीन में उसकी जड़ें पकड़ बना लें, तब तक उसे संभालें तो और भी अति उत्तम होगा। तो उसे अपने घर में नहीं उगने देना चाहिए। यदि उग गया है तो उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, काटना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। यदि गलती से आप अपने आप उग जाता है तो उसे काटना नहीं है, उसे उखाड़ कर आप दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कोई सार्वजनिक स्थल है या कोई स्कूल है, स्कूल में काफ़ी बड़ा प्रांगण है तो वहाँ पर उस पीपल के पेड़ को या इमली के पेड़ को आप लगा सकते हैं। यदि किसी कारणवश काटना ही पड़ता हो या काट दिया गया हो तो उसका आप क्या उपाय करें कि वह आपके लिए दुर्भाग्य ना लाए। तो आपको यदि इमली का पेड़ या पीपल का पेड़ अपने घर से काटना पड़ जाए तो काटने का जो आपको पाप लगा है उसके शमन के लिए एक महीने के अंदर ही अंदर आप किसी भी पंडित पुजारी शास्त्री जी से घर में हवन करवाएं, बहुत ज़रूरी है, और गौ पक्षी, चींटी, कुत्तों और बंदरों को 50 किलोग्राम सामग्री का दान करें, जिसमें आप अलग अलग पार्ट बना सकते हैं कि 10 किलोग्राम यह चीज़ है कोई आप जो खिला सकें, गौओं को खिलाएं या गौशाला में जाकर के दान कर आएं, या जो कुछ भी चीज़ है उन्हें आवारा जो गाय घूमती हैं उन्हें खिलाने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करें। 10 किलोग्राम गायों को खिला दें, 10 किलोग्राम कोई अनाज है जैसे बाजरा है या कोई और दाना दुनका है, पक्षियों के लिए अलग से निकाल दें जो उन्हें खिलाने के लिए उनके स्थान पर आप डाल सकें। 10 किलोग्राम आटा जैसे हो या कोई और खाने की ऐसी वस्तु जो चींटियों को आप खिला सकें, 10 किलोग्राम चींटियों के लिए बाँट दें। चौथा पार्टीशन आपका हो जाएगा कुत्तों के लिए, कुत्तों को 10 किलोग्राम में आप ऐसी चीज़ खिला सकते हैं जो वो आसानी से, बहुत प्यार से, अच्छी तरह से खुश होकर खा सकें। और 10 किलोग्राम आप बंदरों के लिए चीज़ निकाल दें जिसमें गुड़ हो सकता है, चना हो सकता है, केले हो सकते हैं,
या कोई भी मौसमी फ्रूट हो सकता है। मौसमी फ्रूट का मतलब मौसम के अनुसार जो भी उपलब्ध हो वह फल आप बंदरों को खिला सकते हैं। ऐसे 10-10 किलोग्राम के 5 पार्टीशन करके यदि आपसे कोई दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा पाप कर्म हो गया है कि आपने पीपल का पेड़ काट दिया है, तो इस तरह से इस दोष का शमन करने के लिए आप 50 किलोग्राम वस्तुओं का ऐसे दान करें जिसको गौ खाएंगी, गायें खाएंगी, पक्षी खाएंगे, चींटी खाएंगी, कुत्ते खाएंगे और बंदर खाएंगे। इस तरह से पशु पक्षियों में दान कर देने से आपके उस पाप का प्रभाव ना के बराबर रह जाता है। तो यदि आपके घर में ऐसे नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने वाले इमली और पीपल के पेड़ यदि उग गए हैं तो उन्हें ट्रांसफर कर दें किसी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर, स्कूल में, किसी सड़क के किनारे या किसी और जगह पर, परंतु घर के अंदर ये पौधे नहीं होने चाहिए। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यदि आपने कभी इस तरह का कोई उपाय किया है तो उस उपाय का हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और यदि आपकी कोई और समस्या है तो कमेंट बॉक्स में उसको प्रश्न के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, जिसका शास्त्रोक्त विधि से सरल उपाय हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भगवान सभी आप पर मंगलमय आशीर्वाद बनाए रखे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।